दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत और रमणीक जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल नाम से सुप्रसिद्ध है। तो आइए जानें बेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल के बारे में। बेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित एक रमणीय पर्यटन स्थल है। बेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल टूरिस्टों के लिए नायाब जगह है। धुआंधार वाटरफॉल यहाँ बारिश के मौसम को छोड़कर बाकी दिनों में अर्धगोलाकार यानी आधा चंद्रमा के आकार में भारी तादाद में पानी चट्टान से नीचे गिरता है। पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें काफी ऊंचाई पर उड़ने लगती हैं और कहीं कहीं इन बूंदों के बीच इंद्रधनुष यानी रेनबो भी नजर आता है। यहाँ की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वाटरफॉल इतना डरावना लगता है, ऐसे कुछ स्थानीय नौजवान चंद रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में ढालकर काफी ऊंची चट्टानों से छलांग लगाते हैं। उनकी छलांग इतनी भयानक होती है कि देखने वालों के होश उड़ जाएं, लेकिन ये जब सुरक्षित बाहर निकलते हैं तो तब देखने वालों की जान में जान आती है। इसके बाद आता है बेड़ाघाट। यहाँ नर्मदा के अथाह पानी में सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की 100 फुट तक ऊंची चट्टानें बेड़ाघाट की खासियत हैं और इसके समीप 64 योगिनी मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। संगमरमर की चट्टानें चांद की रोशनी में बेड़ाघाट की सैर एक अलग ही तरह का अनुभव रहता है। ऊंची चट्टानों के बीच जब नाव निकलती है तो अजब नज़ारा होता है और शाम होती ही नाव लौटती है अपनी अपने ठिकानों की ओर। फिर शुरू होती है मां नर्मदा की आरती।